चलो आज कर रहे हैं उसको कंप्लीट। हाँ अभी मैं डाउट्स ले रहा है ना, कुछ रहता तो नहीं, कुछ सब कुछ पढ़ा दिया ना मैंने, या कुछ टॉपिक रहता है कोई देख लेना एक बार। तुम बुक में कोई चीज रहती हो तो बता देना, टाइम अभी काफी है। आज तो मैं डाउट ही डिस्कस कर रहा हूँ, और शायद कल वर्क पार्टनर उसी पर हम थे, वहीं से आगे करेंगे। हाँ जी स्टार्ट कीजिए बोलना। बोलिए। 78 हाँ जी अ कार ऑफ मास एम इज एक्सेलरेटिंग ऑन अ लेवल स्मूथ रोड अंडर द एक्शन ऑफ अ सिंगल फोर्स एफ द पावर डिलीवर्ड टू द कार इज कांस्टेंट एंड इक्वल टू पी इफ द वेलोसिटी ऑफ द कार एट एन इंस्टेंट इज वी देन आफ्टर ट्रेवलिंग हाउ मच डिस्टेंस इट बिकम्स डबल। ये कार है, ये फोर्स एफ है, फोर्स एफ है, और वेलोसिटी वी है। कांस्टेंट पावर डिलीवर की जाती है ना, कांस्टेंट पावर इज डिलीवर, ऐसा बोला गया है ना, और फोर्स भी कांस्टेंट है शायद। यस सर पावर होती है एफ एफ डॉट बी, यहाँ पर फोर्स और वेलोसिटी सेम ही डायरेक्शन में, क्योंकि हमें वेलोसिटी इंक्रीज करनी है तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए, तो हम लिख सकते हैं पी इज इक्वल टू एफ बी। वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट हम लिख सकते हैं पी बाय एफ। एक मिनट रुकना, स्क्रीन ऑफ हो गई, करता हूँ। अब आ रही है स्क्रीन, देखो। क्वेश्चन रिपीट यस करना क्या? सर हाँ जी, एक फोर्स एफ लगाया, कांस्टेंट फोर्स ना, रिपीट कर दो क्वेश्चन। अ कार ऑफ मास एम इज एक्सेलरेटिंग ऑन अ लेवल स्मूथ रोड अंडर द एक्शन ऑफ अ सिंगल फोर्स एफ द पावर डिलीवर्ड टू द कार इज कांस्टेंट एंड इक्वल टू पी इफ द वेलोसिटी ऑफ द कार एट एन इंस्टेंट इज वी देन आफ्टर ट्रेवलिंग हाउ मच डिस्टेंस इट बिकम्स डबल।
तो वेलोसिटी जो है वी से टू वी हो जाएगा ना, यही यही कहा गया है। तो डेल्टा के इज इक्वल टू द वर्क डन बाय फोर्स। तो डेल्टा के हमारा होगा वर्क डन बाय फोर्स कितना होगा, एफ एफ एन प्लस, ये कांस्टेंट फोर्स है ना, पावर जो है कांस्टेंट है, तो T is equal to FV, T is equal to तो P constant है तो F कितना हुआ, F is P by V, F is P by V। सर स्क्रीन विजिबल नहीं है। अच्छा फिर चलेंगे एक मिनट रुको, F is P by V, क्या स्क्रीन चली गई, एक बार दोबारा कनेक्ट करता हूँ। हाँ जी अब ठीक है। यस सर। देखिए फोर्स जो है, फोर्स को हम लिखते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन पी बाय वी, और एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट हमें चाहिए एस। एक्सेलरेशन को डिस्प्लेसमेंट की रिलेशन होता है कि वी डी वी बाई डी एस इस पी बाय वी। P कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, तो m v square dv is p ds, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। वेलोसिटी इज वेरिंग फ्रॉम v टू 2v, v से 2v करना है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट जहां वेलोसिटी v है वहां 0 काउंट करते हैं, और जहां 2v वेलोसिटी होगी उसे करस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट s हो गया। तो m v cube by 3 is p into s, s is mv q by 3 p। देखिए आंसर mv q by 3 p। ठीक है सर, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं है।
क्या क्या ऑप्शन है बताओ एक बार. 7mv³/3p, 4mv³/3p, mv³/p और 18mv³/7p. एक मिनट देखता हूँ. ये लूंगा मैं. लिमिट 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 पुट करने में गलती कर दी. वी क्यू बाई थ्री है ना, लिमिट तो पुट की नहीं इसकी, वी से टू वी तक, और थ्री तो बाहर आ गया. वी क्यूब में पुट करेंगे टू वी क्यूब, तो 8v³-7mv ये आएगा आंसर. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे. लिमिट पुट कर लोगे ना, मैं डायरेक्ट लिख दिया मैंने. अपर लिमिट है 2v होल क्यूब माइनस वी क्यूब लोअर लिमिट. अपर लिमिट हो गया 8v³ माइनस लोअर लिमिट इज वी क्यूब, तो 7v³, 7v³. एम ऐसे कैसे है और थ्री नीचे है, पी साइड से आ गया, तो ऐसा हो गया 7mv³/3p. नेक्स्ट बताइए. 79. हाँ जी बताइए. An ideal massless spring S can be compressed 1 meter by a force of 100 Newton in equilibrium. The same spring is placed at the bottom of a frictionless inclined plane, inclined at 30 degree to the horizontal. A 10 kg block M is released from rest at the top of the incline and brought to rest momentarily after compressing the spring by 2 meter. If g equal to 10 meter per second square, what is the speed of the mass just before it touches the spring? Sure. Ye, F required is 100 newton for compressing the spring. So 1 centimeter or 1 meter kya tha ye first line mein? 1 meter. 1 meter. Dekhi ek spring hai, question ko samjho pehle kya hai. Ek spring hai ye. Vertical ya horizontal usse matter nahi karta. Agar hum isko ye apni mean natural length mein नेचुरल लेंथ में ये एल है, हम इसको 1 meter से कंप्रेस करना चाहते हैं, तो हमें एक फोर्स लगाना पड़ता है 100 newton. तो इसका मतलब ये होगा कि एफ इज इक्वल टू के एक्स लिखेंगे. एफ इज 100 के इंटू 1, के तुम्हें दिया हुआ 100 newton per meter. दिस इज स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग या स्प्रिंग कॉन्स्टेंट. सर जो यहाँ पे लिखा है फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इन इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम क्यों लिखा है? इक्विलिब्रियम में मतलब मीन पोजीशन पर है ये. अगर मीन पोजीशन पर तुम 100 मीटर का फोर्स लगाओगे तो उसमें कंप्रेशन आएगा 1 मीटर का. इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है तब, और अगर हो सकता है वो ऑलरेडी शिफ्टेड हो. उसने कहा कि इनिशियली वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है और उसके बाद तुम 100 मीटर का फोर्स लगाते हो तो 1 मीटर का कंप्रेशन आता है. तो ये जो गिवन इंफॉर्मेशन है फर्स्ट लाइन में वो तो इसलिए है ताकि तुम्हें के मिल जाए, ये तो के के लिए है. सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन ये है कि वही वो सेम स्प्रिंग है, और सेम स्प्रिंग मतलब के इज 100 न्यूटन पर मीटर. ए ब्लॉक ऑफ मास एम इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन. डिस्टेंस दिया हुआ है, लेंथ होगी शायद है ना, लेंथ या हाइट दी हुई होगी, बताना एक बार. हाइट h से रखी है और थीटा 30 डिग्री. ये h है? यस सर. थीटा दे रखा है 30 डिग्री. ये डिस्टेंस नहीं दिया, ये डिस्टेंस कितना है? नो सर. डायग्राम दिया हुआ है क्या? यस सर. डायग्राम भेजो. हाँ जी.
हमें पता करना है कि व्हाट इज स्पीड जस्ट बिफोर इट टचेस द स्प्रिंग. यहाँ पर स्पीड कितनी है, जब ब्लॉक यहाँ पहुंचता है स्पीड कितनी, कंप्रेशन कितना हुआ है, कंप्रेशन कंप्रेशन कितना हुआ है, टू. थोड़ा मैं इसको ना बड़ा करके बना रहा हूँ यहाँ पर, ताकि तुम सारी चीज साफ साफ देख पाओ. ये स्प्रिंग की ओरिजिनल पोजीशन है वो यहाँ पर था, ब्लॉक यहाँ पर आता है और भी वेलोसिटी से इसको हिट करता है, 2 मीटर कंप्रेशन इसमें यहाँ पर आता है, ये 2 मीटर कंप्रेशन है. तो मान लेते हैं यहाँ की वेलोसिटी वी है, तो ब्लॉक यहां से और यहां पर आ गया, ब्लॉक यहां पहुंच जाएगा ना हिट करने के बाद, तो ब्लॉक नीचे जाएगा कंप्रेशन में, तो ब्लॉक नीचे चला गया. देखो पहले यहाँ पर था, थोड़ा ऊपर था, अब नीचे आ गया. कितना नीचे आया देखो, ये है कितना नीचे आया है. पहले हाइट इसकी ये थी, ब्लॉक यहाँ पर था, अब हाइट ये है. तो ये है इसका एच और ये एंगल है 30 डिग्री. हमने मान लिया इसकी वेलोसिटी वी है, इसकी वेलोसिटी वी है, तो हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है. यहाँ पर जो फोर्स इन्वॉल्व होते हैं वो हम देखें, एक नॉर्मल फोर्स है, एक स्प्रिंग फोर्स है और एक एमजी है. तीन फोर्स है जिनमें से नॉर्मल वर्क नहीं करेगा, स्प्रिंग फोर्स और ग्रेविटी, कंजर्वेटिव फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, दोनों कंजर्वेटिव है. तो हम क्या लगाने वाले हैं कि डेल्टा यू प्लस डेल्टा के यू फाइनल माइनस यू इनिशियल फॉर बोथ स्प्रिंग एज वेल एज ग्रेविटेशनल. ऑब्वियसली ये इनिशियल लूंगा मैं, ये फाइनल पोजिशन लूंगा. तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो रुक गया ना, मैक्सिमम कंप्रेशन हो गया, मतलब वेलोसिटी कितनी हो गई उसकी, मैक्सिमम कंप्रेशन पर कितनी वेलोसिटी होगी, जीरो. ये टर्म तुम्हारी जीरो हो जाएगी. के इनिशियल मुझे कैलकुलेट करना है, तो के इनिशियल अगर मैं देखूं, के इनिशियल को मैं उस साइड ले जाता हूं, के इनिशियल इज इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल ऑफ स्प्रिंग प्लस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल ऑफ ग्रेविटेशन. स्प्रिंग स्प्रिंग में कंप्रेशन हुआ 2 मीटर, तो हाफ के 2 स्क्वायर है ना, ठीक लिखा है. माइनस इनिशियली कोई कंप्रेशन नहीं था स्प्रिंग में, प्लस यू फाइनल ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल फाइनल जो है वो उसको मैं लोवेस्ट लेवल मान लेता हूँ, ये लोवेस्ट लेवल है, तो यही मेरा रेफरेंस लेवल है, यही मेरा रेफरेंस लेवल है. तो इस पॉइंट पर देखेंगे इस पॉइंट पर हाइट कितनी होगी, रेफरेंस लेवल से जो उसने स्प्रिंग को हिट किया उस टाइम ब्लॉक की हाइट कितनी है, वो हमारी फाइनल पोजीशन है. हाइट अगर देखें तो ये कंप्रेशन 2 मीटर है अलोंग द प्लेन, ये 2 मीटर है, ये एंगल 30 डिग्री है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होता है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, हाइट इज परपेंडिकुलर. तो परपेंडिकुलर जो हाइपोटेन्यूज का हमेशा साइन होता है, तो 2 sin 30, 2 sin 30 इज 1, 2 sin 30 की sin 30 1 होता है, तो 2 sin 30 इज 1. यू फाइनल इज एम जी इंटू हाइट 1, और सॉरी ये तो फाइनल है ना, फाइनल तो 0 है, फाइनल इज 0. इनिशियल एम जी इंटू हाइट फ्रॉम रेफरेंस लेवल इज 1. दिस इज हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू, एंड के इज 100, हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया था, तो 100 इंटू 4/2 इज 200, तो ये है प्लस माइनस. mg into 1, mass है 10 kg दिया है और g भी 10 है, तो half 10 into v square is 100, तो देख लो कितना आ गया है, 200 by 10 is 20, v square is 20, v is root 20. Okay sir. नेक्स्ट बताइए, आगे समझ में. यस सर, कुछ पहले के पावर के क्वेश्चंस रहे हैं, मतलब डी टेकिंग इट टुगेदर में थोड़े पहले के क्वेश्चंस है. हम बोल लो जो भी है सर. ग्राफ का क्वेश्चन भेज दूं, सेंड कर दो.
सर भेजती हूँ। A motor drives a body along a straight line with a constant force F. The power developed by the motor must vary with time. A constant force लगाया जाता है तो power का time के साथ क्या relation होगा? F constant P is equal to F dot P. The DP is making F dot DP. A force to constant है, फोर्स तो कांस्टेंट है, पावर का वेलोसिटी में रिलेशन हमें पता है, ये कांस्टेंट फोर्स एफ इज अप्लाई, तो डीपी बाय डीवी हम एफ लिख देते हैं, एफ अब वेलोसिटी के टाइम के साथ रिलेशन देख लो क्या है, जो वेलोसिटी के टाइम के साथ रिलेशन है वही रिलेशन पावर के टाइम के साथ होगा, ये फोर्स तो कांस्टेंट है, हमें पता है डीवी बाय डीटी इज ए, डीवी इज इक्वल टू वी डीटी, सॉरी ए डीटी, तो इनिशियली अगर वो वेलोसिटी जीरो से उसने बोला है स्टार्ट किया या नहीं किया तो भी कोई बात नहीं, अगर वो स्टार्ट नहीं हुआ है, मोटर ड्राइव्स ए बॉडी अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विद ए कांस्टेंट फोर्स ऑफ पावर, तो जीरो से स्टार्ट हो रही थी वेलोसिटी जीरो है, तो v is equal to at, लिमिट लगा देंगे from 0 to t, from 0 to v, initial velocity is 0, तो ये v आ जाता है, तो power हम देखें यहाँ पर, power, power जो है v is at है, तो p is equal to fv लिखते हैं, तो p is fat, fat, a कितने, a कितने, f by m, क्योंकि force constant है, mass भी constant है, तो f by m is a, ये हो गया, तो power कितनी आती है हमारे पास, power is F square by M into T. और लीनियर ग्राफ इसका बन जाएगा. Okay sir. 44 भी है? Yes sir. A power supply to a particle power supply to a particle of mass 2 gram varies with time. 2 kilogram. Of mass 2 kilogram varies with time as P is equal to 3T square by 2. Here T is in second velocity of particle at T is 0. Initial velocity is 0. U is 0. The velocity of particle at वेलोसिटी पता करनी है ना, देखिए पावर इज एफ डॉट डी वी है, एफ डॉट वी हम बोलते हैं, इज थ्री डी स्क्वायर बाई टू, एफ इज एम ए डॉट वी, ऐसे तुम बोल सकते हो, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में होंगी, डॉट मैं कॉस जीरो ले रहा हूँ, थ्री डी स्क्वायर बाई टू, एम को लिख सकते हैं डी वी, ए को सॉरी ए को लिख सकते हैं डी वी बाई डी टी इन टू वी इज थ्री टी स्क्वायर बाई टू, तो ये हो गया वी डी वी इज 3 by 2 m t square.
डी टी, हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स टाइम जीरो से टी तक, और टाइम किसी टाइम पर पूछिए ना वेलोसिटी किस टाइम पर, एट टी इक्वल्स टू 2 सेकंड, तो टी को 2 ही लिख देते हैं, टी इज इक्वल टू 2, एट टाइम जीरो वेलोसिटी इज जीरो, एट टाइम टी इक्वल्स टू 2 हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड पर आगे इंटीग्रेशन वी स्क्वायर बाय 2 फ्रॉम 0 टू वी 3 बाय 2 एम, राइट हैंड साइड पर टी स्क्वायर डी टी इंटीग्रेशन होगी टी क्यूब बाय 3 फ्रॉम 0 टू 2, राइट हैंड साइड हो गया, लेफ्ट हैंड साइड वी स्क्वायर बाय 2, 3 को बाहर ले आते हैं, 3 से 3 कैंसिल, 1 बाय 2 एम, टी क्यूब का लिमिट पुट करेंगे तो टी क्यूब इज 2 क्यूब माइनस 0 क्यूब, 2 क्यूब इज 8, 8 माइनस 0 इज 8, 2 से 2 कैंसिल, v इज रूट ऑफ 8 बाय m, मास शायद दिया हुआ इसका होगा ना कितने 2, मास इज 2, तो 8 बाय 2 इज 4, 4 रूट इज 2 मीटर पर सेकंड, समझ में आया? यस सर। नेक्स्ट बताइए। 45। Force affecting on a body depends on its displacement. S F is S power minus 1 by 3 है ना ये? Yes sir। The power delivered आगे क्या है? The power delivered by F will depend on displacement as. Power का बता रहे हैं। तो F तो मैं दिया हुआ है। पर पता है कि P dP लिख देते हैं। dP is F dV. P is F into V. Velocity ऐसे होते हैं। और उसको हम लिख सकते हैं। तो मैं force दिया हुआ है ना। तो हमें S के terms में calculate करना है। F is equal to F is directly proportional to S power minus 1 by 3 और F is equal to हम लिख सकते हैं K constant of proportionality है, बाद में इसको eliminate कर देंगे, okay, S power minus 1 by 3 और F की value हम यहाँ से put करना चाहते हैं put कर सकते हैं, और यहाँ पर हमें dV है हमारे पास, dV is ds by dt, तो f हो गया k s power minus 1 by 3, dw is f ds, F is K S power minus 1 by 3 ds, differentiating on both sides dw by dt, so aise hi kar lenge, work done, K S power minus 1 by 3 mein plus 1 karenge to 2 by 3 by 3 by 2, k is f by s minus 1 by 3, 2 by 3, so work done again, 3 by 2 f s, constant force diya hai na, लास्ट स्टेप समझ नहीं आया, एक मिनट दोबारा बताता हूँ, एफ ये दिया हुआ है और हमें पावर कैलकुलेट करना, पावर का डिपेंडेंस देखना है डिस्प्लेसमेंट के ऊपर, पावर का डिपेंडेंस
देखिए, एफ पी इज इक्वल टू, पी इज इक्वल टू एफ डी बी, डी पी लिख सकते हैं इसको, इसको लिख सकते हैं एम ए इज वी डी बी बाई डी एस, उससे कुछ फायदा होगा ना। देखो एफ जो है एम ए इस के एस पावर माइनस वन बाई थ्री, एम वी डी बी बाई डी एस इस के एस पावर माइनस वन बाई थ्री, एम वी डी बी इस के एस पावर माइनस वन बाई थ्री डी एस, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, एम v square by 2 k s power minus 1 by 3 में क्या ऐड करेंगे तो 2 by 3, उसे डिवाइड करेंगे 2 by 3 तो 3 ऊपर और 2 नीचे, 2 से 2 कैंसिल, v square is 3 k by m s power 2 by 3, v is 3 k by m whole root s power 1 by 3, v is directly proportional to s power 1 by 3, f is directly proportional to s power minus 1 by 3, दोनों का product अगर कर दें तो क्या होगा? s power 0, तो ये इसका answer, देखो एक बार answer, ये तो option में है, तो f और velocity को multiply करें तो power आ जाती है, तो पावर तो यहाँ पर K1 है और यहाँ K2 है, हम लिख सकते हैं ऐसे, तो पावर K1 K2 times S पावर 0, तो पावर को अगर मैं कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन हटाता हूँ तो लिखूंगा S पावर 0 पर डिपेंड करता है, क्योंकि K1 K2 के बारे में तो हमें बात ही नहीं करनी है, तो बताने किसके प्रोपोर्शन है, तो पावर जो डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड ही नहीं कर रही है, तो ये ना मैथमेटिकल मैनिपुलेशन है, तो मतलब धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ कभी कुछ क्लिक करता है कभी कुछ, इसमें बहुत फंडामेंटल तो नहीं कहते इन चीजों को, पर मैथमेटिकल मैनिपुलेशन है, तो प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप हिट करने लग जाएंगे, क्लिक करने लग जाएंगी चीजें, ऐसे एज सच कोई तरीका नहीं है इनको समझने का, है ना, बस तुम देख सकते हो हाँ मैथमेटिक्स समझ में आ गया, पर ऐसा क्यों किया और वैसा क्यों किया वो प्रैक्टिस से पता लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट बताइए। 49 मेरे पास नहीं है, बस बोलो स्टेटमेंट, ये डायग्राम है तो भेज दो पहले ही, स्टेटमेंट है सर। हाँ जी बोलिए। हाउ मच मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी पर डे इन तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑपरेटेड एट 10^7 किलोवाट। बस देखिए, एनर्जी जो है ना, मास एक एनर्जी का इक्विवेलेंस होता है, हर मास को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, हर मास को, तो मास एनर्जी इक्विवेलेंस दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन कि E जो है वो mc² होता है, मतलब 1 किलोग्राम अगर कोई मास है तुम्हारे पास तो उसको एनर्जी में कन्वर्ट करोगे तो दिस इज इक्विवेलेंट टू 1 × 3 × 10^8 होल स्क्वायर, तो इतनी एनर्जी बनती है 1 किलोग्राम मास से, तो 1 किलोग्राम मास को जिसमें कन्वर्ट करते हैं ना, तो कन्वर्जन ऑफ दिस मास इनटू एनर्जी इज इक्वल टू 3 × 10^8 स्क्वायर, तो 9 × 10^16 स्क्वायर, और ये जूल एनर्जी बनती है। तो कोई पावर प्लांट है जहां पर ये पावर है, पावर मतलब ये, दिस इज द एनर्जी इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड, जूल इन 1 सेकेंड होता है ये, 10^7 किलो जूल इन 1 सेकेंड। तो तुमसे पूछा गया हाउ, है ना, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मास इन ए डे, क्या पूछा गया, इन ए डे और इन ए मिनट, पर डे,
पर डे, तो एक सेकंड में इतनी एनर्जी बनती है, एक सेकंड में, एक दिन में कितनी एनर्जी बनेगी? दिस इज 10^7 किलो जूल, 7 किलो जूल इन 1 सेकंड, 10^7 किलो जूल इन 1 सेकंड, तो इन डे कितना होगा? 10^7 किलो, किलो मतलब ये जूल इनटू कितना, 24 into 16 into 60, इतने जूल एनर्जी चाहिए, तो कितना मास तुम्हारा यूज हुआ होगा? तो हमने कहा कि मास एम यूज हुआ होगा, एम तो एम एम की एनर्जी कितनी बनी होगी, तो एम सी स्क्वायर एनर्जी, तो एम सी स्क्वायर जो है इसके इक्वल है, मास एम जो था, मास एम हमारा यूज हुआ, उससे एनर्जी हमने कन्वर्ट की, उसको एनर्जी में कन्वर्ट किया, तो अगर ये एनर्जी में कन्वर्ट होगा तो एनर्जी बनेगी एम सी स्क्वायर, और ये एनर्जी, ये मास यूज होकर के एनर्जी बन रही है, और वो एनर्जी इसके इक्वल, ये तो एनर्जी चाहिए हमें, एक दिन में इतनी एनर्जी चाहिए हम लोगों को, तो एम इज, एम इज 10^10 24 into 60 into 60 बाई सी स्क्वायर इज 3 into 3 into 10^16, तो 10, 11, 12 और 16 मतलब 10^-4 तो यही हो गया, ठीक है, ऊपर है 6, 6 तो ये हो गए सब, 2 into 24 into 4 is 96, कितने किलोग्राम, ग्राम में कन्वर्ट करें तो 96 into 10^-1 ग्राम, 9.6 ग्राम, देखो आंसर क्या, बहुत कम आंसर आया है, देखिए Third question. हाँ जी, statement. An engineer claims to have made an engine delivering 10 kilowatt power with fuel consumption of 1 gram per second. The calorific value of fuel is 2 kilocalorie per gram. This claim is for 4 options. True or false? ऐसे होगा क्या? Over claim. Valid. अच्छा. 10 kilowatt, 10 kilowatt means 10 into 10^3 joule in 1 second. Word का मतलब यही होता है, in 1 second. है ना? तो मैं देखता हूँ कि 10^4 joule in 1 second energy बनती है. 10^4 joule. Mass कितना consume हो रहा है? Mass कितना? वन ग्राम, और वन ग्राम मास जब कंज्यूम होता है तो टू किलो कैलोरी, वन ग्राम मास पर सेकंड कंज्यूम होता है, और ये मास जो है, अभी हमने मास एनर्जी इक्वेशन देखा अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, पर जो इंजन यहाँ पर है वो इंजन क्या करता है, वन ग्राम एक सेकंड में यूज करता है, और वन ग्राम मास जो है उससे एनर्जी बनती है, कितनी एनर्जी बनती है, टू किलो कैलोरी, टू किलो कैलोरी, और किलो मीन्स, और कैलोरी में बताओगे कितना, जूल 4.2, 1 ग्राम मास जो है ये अमाउंट ऑफ जूल एनर्जी देता है, 2 into 10^3 4.2, 2 into 4.2 is 8.4, ऐसे ही रहने देते हैं, कैलकुलेट करने में सिंपल भी रहेगा, 1 ग्राम मास अगर कंज्यूम हो तो ये अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें मिल जाती है, 1 ग्राम पर सेकंड कंज्यूम होता है, 1 ग्राम पर सेकंड, 1 ग्राम पर सेकंड अगर कंज्यूम होता है तो 1 ग्राम पर सेकंड, इसका मतलब ये हुआ कि 2 into 4.2 into 10^3 जूल पर सेकंड, और उसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये 10^4 है, ये 8.4 है, 8.4 into 10^3 जूल पर सेकंड, और 10^4 में लिखना चाहूँ तो मैं 0.84 into 10^4 जूल पर सेकंड,
मतलब कंपनी क्लेम करती है, मोटर कंपनी होगी कोई, है ना, कोई कंपनी होगी, कंपनी कहती है कि इतनी पावर डिलीवर होती है 1 सेकंड में, 10^4 जूल। अकॉर्डिंग टू दिस कैलकुलेशन, अगर 1 ग्राम मास 1 सेकंड में कंज्यूम होता है तो इतनी एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है 1 सेकंड में, 0.84 × 10^4। वो कह रहे हैं कि, ये वो कह रहे हैं कि इतनी एनर्जी, इतनी पावर डिलीवर कर रहे हैं, इतनी पावर मतलब इन 1 सेकंड है, इन 1 सेकंड। हो कितनी सकती है अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन, हो कितनी सकती है 0.84, इसका मतलब क्या हुआ, कंपनी क्या कर रही है, झूठ बोल रही है कंपनी, ओवर क्लेम कर रही है। 0.84 बन सकती है और कह रही है कि 1 जूल है ताकि उनका प्रोडक्ट सेल हो जाए, है ना। तो देख लो तुम्हारे ऑप्शन में क्या, ओवर क्लेम, लेस क्लेम, ऐसे कुछ दे रखा होगा आंसर, छांट लो, इनवैलिड, इनवैलिड। हाँ देख जो भी बनता है, हो गया चेक पॉइंट, वर्क पैनलिटी कंप्लीट हो गया तुम्हारा। सो एलन बच्चे, एलन से बोलना स्टार्ट कर दो, एक मिनट कोई डाउट नहीं है किसी के पास भी, तो मेरा है 15। भेज दिया क्या पीडीएफ? और भेज दो, कोई भेज दो पीडीएफ जिसके पास भी है, मेरे को व्हाट्सएप कर दो, एक एक दो स्टेटमेंट बोल दो तब तक, कल भेज देना, आज तो क्लास वैसे भी खत्म होने वाली है, आज कल भेज देना, बोलो स्टेटमेंट बोलो 15 की क्या है, 15 की स्टेटमेंट बोलो। सर कर दी मैंने आपको सेंड। Stone of mass M is tied to a string of length N at one end by holding the second end. It is whirled in a horizontal circle. Then work done will be. Work done कौन करेगा यहाँ पर? किसका work? मतलब बताया ही नहीं गया ना? किसका work पूछा है? Velocity इधर होगी ना? Horizontal circle में tangential velocity होगी. टेंशन होगी इसमें, और भी कुछ है क्या? रितिका और भी कुछ है यहाँ पर? एमजर वेलोसिटी में एंगल कितने हैं? एमजर वेलोसिटी में एंगल दिखाई दे रहे हैं क्या तुम लोगों को? एमजर वेलोसिटी में एंगल दिखाई दे रहे हैं? 180 डिग्री। क्वेश्चन पढ़ा था ठीक से? सर
सर 360 360 डिग्री ये सर्कल दिखाई दे रहा है तुम्हें सर्कल जो रेड कलर से मैंने बनाया है सर्कल दिखाई दे रहा है यस सर कौन से प्लेन में है प्लेन बताओ उसका प्लेन प्लेन बताओ कौन से प्लेन में है सर्कल कौन से प्लेन दिखाई दे रहा है तुम्हें एक्स वाई प्लेन में इसका एक्सिस पता है कौन सा एक्सिस ये इसका सेंटर है एक्सिस कौन सा है इसका एक्सिस ऑफ द सर्कल वाई एक्सिस है तो प्लेन कौन सा हुआ प्लेन ऑफ द सर्कल किस प्लेन में सर्कल है सर्कल तुम्हें एक्स तो एक लाइन है प्लेन होता है दो एक्सिस से मिलकर के बनता है एक्स वाई प्लेन एक्स जेड प्लेन वाई जेड प्लेन किस प्लेन में है सर्कल तुम्हें तुम्हें सर्कल हॉरिजॉन्टल दिखाई दे रहा है वर्टिकल दिखाई दे रहा है सर्कल बहुत ज्यादा डिस्कनेक्ट सी हो गया मतलब ये सर्कल तुम्हें हॉरिजॉन्टल दिखाई देता है वर्टिकल प्लेन में दिखाई दे रहा है अब मुझे बताओगे टेंशन किसके अलावा काम कर रही है एक्सिस में बताओगे टेंशन टेंशन किधर है एक्स के अलावा मतलब ये सर्कल था ये स्ट्रिंग थी ये एक स्टोन है टेंशन हो गई और कौन सा फोर्स है और कौन सा फोर्स है एमजी यस सर एमजी किधर नेगेटिव वाई एक्सिस एमजी डाउनवर्ड है नेगेटिव वाई एक्सिस इसकी वेलोसिटी में ड्रॉ करना चाहूं तो ये अगर ऐसे घूम रहा होगा तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी अगर मैं ड्रॉ करना चाहूं तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी ड्रॉ करना चाहता हूं तो किधर आएगी वो टेंजेंट यस सर ये कौन से प्लेन में वेलोसिटी कौन से प्लेन में एग्जिट प्लेन में है एग्जिट प्लेन में और एमजी MZ नेगेटिव y एक्सिस में या z प्लेन में MZ में और वेलोसिटी में एंगल बताओगे कितने नाइंटी डिग्री टेंशन में और वेलोसिटी में एंगल बताओ क्या एग्जिट प्लेन में कैसे होगी कैसे होगा एक्सिट प्लेन में कैसे होगा ये देखो थोड़ा ना थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस पेन से ड्रॉ करके देखना है ना पेन से ड्रॉ मतलब तीन पेन यूज करना उसे उनको ध्यान से देखना ये ना एक्चुअली देखना है मतलब तुम्हें देखना है इसमें समझाने का मतलब एक्स एक्सिस किधर है वाई एक्सिस किधर है क्लास में तुम थोड़ा समझा भी देते हैं कि ऐसे देखो पेन की हेल्प से अब स्क्रीन के ऊपर तो यही हो सकता है जो मैंने दिखाया एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है चलो कल इसके ऊपर थोड़ी बात करते हैं कल है ना मैं सब क्वेश्चन कंप्लीट करता हूँ मेरे को आज क्लास जल्दी खत्म करनी है तो अभी तो ये एग्जिट प्लेन में भी मान लो मैं कल कोशिश करता हूँ समझाने की कि कैसे तुम्हें देखना है एक्स वाई प्लेन में वाई जेड प्लेन में
कल कुछ और एग्जांपल लेंगे, इस क्वेश्चन तो इस क्वेश्चन से तो शायद नहीं, किसी और एग्जांपल की हेल्प से मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करूंगा कल कि कैसे देखना है प्लेन. अभी तो मान लो कि ये सर्कल जो है एक्जिट प्लेन में ही है जैसा बताया है, तो एम जी वाई एक्सिस कहलाऊंगे, एक्जिट प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो एम जी और वेलोसिटी में एंगल जो है, वेलोसिटी भी एक्जिट प्लेन में ही होगी, तो वेलोसिटी और एम जी में एंगल जो है वो 90 डिग्री है, तो वर्क डन बाई एम जी. हालांकि स्पेसिफाई नहीं किया गया कि इसका वर्क वर्क डन बाई एम जी इज जीरो. टेंशन अलोंग एक्स एक्सिस है और वेलोसिटी देख रहे इस पॉइंट पर इसके रेडियस क्या लोगे, सॉरी टेंशन रेडियस क्या लोगे, वेलोसिटी टेंजेंट क्या लोगे एक ही पॉइंट पर, तो इन दोनों में भी एंगल 90 डिग्री. अगर तुम ध्यान से देखो टेंशन और वेलोसिटी में एंगल, टेंशन और वेलोसिटी में एंगल भी 90 डिग्री है. तुमसे पूछा जाता है कि वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स मींस नेट फोर्स, वर्क डन बाय नेट फोर्स, नेट फोर्स होगा सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल, सॉरी एफ नेट इज इक्वल टू, तभी तो वो घूम रहा है सेंटर की तरफ, नेट फोर्स एमवी स्क्वायर बाय आर होना चाहिए तभी वो घूम सकता है, तो कहीं ना कहीं से तो आ ही रहा होगा नेट फोर्स. Is working by net force or m square by r is also same because as net force jo center ki taraf kaam karega velocity tangent ki taraf hogi, so work done fir se zero, work done by centripetal force. Kisi ka bhi work puch lo yahan par sabka zero aata hai. So work done in case of circular motion, at least in this case jo bhi hum logon ne discuss kiya isme zero hota hai, theek hai. Aur kal pehle aayenge to usko start karenge yahan se ki कि एक्स जेड और वाई जेड प्लेन कैसे देखना है, कल यहीं से स्टार्ट करेंगे फिर आगे टॉपिक बढ़ाएंगे. तुम सर्कुलर मोशन की फाइल मैंने कल सेंड कर दी, उसको कंप्लीट कर लो आज, ठीक है. और वर्क पार्टनरशिप कल शायद कंप्लीट हो जाएगा, इसमें क्वेश्चन सिंपल होते हैं, कंपैरेटिवली ज़्यादा टफ नहीं आते, और क्योंकि सेकेंड असाइनमेंट है तो डाउट्स भी कम होंगे, सिंपल भी होते हैं थोड़ा सा, तो कल शायद एक क्लास में कम्प्लीट हो जाए. कोशिश ये करेंगे कल की क्लास में वर्क पार्टनरशिप को मेलन कम्प्लीट हो जाए, ठीक है. चलो मीटिंग लीव कर दो, कल मिलते हैं. अनुरोध. थैंक यू सर. थैंक यू सर. थैंक यू सर. थैंक यू सर.